छठे चरण में देश की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और इन सीटों में बीजेपी की बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साल 2019 में दिल्ली और बिहार में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष पर का पूरा सफाया कर दिया था और इस बार भी बीजेपी के सामने अपने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। छठवें चरण के मतदान में दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली की 7 सीटों समेत भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 25 मई को 58 सीटों पर बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर का टेस्ट होना है। यूपी और बिहार में बाहुबलियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार और दिल्ली में मोदी फैक्टर विपक्षी गठबंधन की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। छठवें चरण का पूरा गणित हम आपको बताने वाले हैं। छठवें चरण में बिहार की 8 सीट, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, दिल्ली की 7, ओडिशा में 6, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें होने का गौरव दिल्ली के पास है और यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी की सीधी लड़ाई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे दिलचस्प लड़ाई कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर लड़ी जा रही है। नई दिल्ली की सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के बीच लड़ाई है। दिल्ली साल 2014 से बीजेपी का सबसे बड़ा किला बना हुआ है और यहां पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सहानुभूति लेने की कोशिश में है। वहीं मतदान के ठीक पहले आया स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस भी महिला वोटरों के लिहाज में मतदान पर। अगर साल 2024 के छठवें चरण की 58 सीटों पर 2019 के आंकड़ों को देखें तो यूपी की 14 सीटों में से बीजेपी ने 9, बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अगर बिहार की बात करें तो छठे चरण की 8 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट जीती थी, यानी सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को भी विजय मिली थी। वेस्ट बंगाल में जिन 8 सीटों पर इस बार मतदान होना है वहां पर बीजेपी ने 5 और टीएमसी ने 3 सीट जीती थी। झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है, यहां पर बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली में 7ों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान है, बीजेपी ने पिछले साल यहां 2 और बीजेडी यहां पर 4 सीट जीती थी। छठवें चरण में 3 मुख्यमंत्री की किस्मत का फैसला होना है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। खट्टर हरियाणा के करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदम्बिका पाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ की सीट पर, सबकी नजरें यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। यूपी में राजा भैया के प्रभाव क्षेत्र वाली 4 सीटें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और प्रयागराज में भी मतदान होना है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह इन दिनों मिशन यूपी पर हैं, जहां वो एक दिन में बैक टू बैक 3 जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उस दौरान उन्होंने दावा किया कि 5 चरण में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है। साथ ही 4 जून के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का प्लान भी बता दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी समर का यह आखिरी दौर है। 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जब आसमान से आग बरस रही थी तब अमित शाह विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे। 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी का कार्यक्रम क्या है आप लोगों को मालूम है? नहीं है? जानना है? 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। चाहे सिद्धार्थ नगर हो या अंबेडकर नगर, अमित शाह ने हर मंच से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला।
जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते? गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। कहिए, जो शहजादे वाली टीम बनी है यही आपको शह देगी और यही मात देने का काम करेगी इस बार। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-1-11 हो गए हैं। और जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने का नहीं टकरा रहे हैं। यूपी में 27 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, जिसके लिए तमाम पार्टियां चुनावी रण में दम दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन 80 के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश पर डायरेक्ट हमला बोलते हुए कह रहे हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। जो लोग 400 बार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। वार पलटवार लगातार जारी है, बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है, क्योंकि 4 जून को चुनाव की असल झांकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, भारत में भी इसके नए सब वेरिएंट ने की एंट्री हो गई है, और हालांकि इन्हें कम संक्रामक कहा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। आज से 4 साल पहले कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया के तमाम देशों में इसने तबाही मचाई, तब से लेकर इसके नए नए वेरिएंट भी सामने आते रहे हैं। एक बार फिर कोरोना का नया सब वेरिएंट देश में एंट्री कर चुका है, जो तेजी से भी फैल रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर से कोरोना का नया वेरिएंट फ्लट भारत में आ चुका है। इसमें से ज्यादा केस वेरियंट KP.1 और KP.2 के हैं। इन दोनों वेरियंट को फ्लट का नाम दिया गया है। KP.1 कोरोना के GN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। बताती है कि वायरस ज्यादा फैलता तेजी से है, मगर घातक नहीं है। सो इट मोर माइल्डर केसेस आ रहे हैं, वो इतने सीवियर केसेस नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो हमारे को किसी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ये पहली बार नहीं है कि नया म्यूटेशन आया, और ये आखिरी बार भी नहीं है कि नया म्यूटेशन आया। हमारे को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता कैसे होती है कि किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को औरों से अलग कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका अलग करने का है मास्क पहन लेना। मास्क पहन लेने से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकते हैं। तो पहला जो हम लोगों को करना चाहिए, किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको हमें एजुकेट करना है कि आप मास्क पहन लें। पिछले कुछ समय से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह फ्लर्ट ही है, जिसके चलते वहाँ पर कोविड की लहर की आशंका बढ़ गई है। कि हमें जैसे ही कोई इन्फेक्शन हो या इससे लक्षण हो, जैसे बुखार है, गला खराब होना है, हेडेक है, जुखाम है, और पेट में कुछ लूज मोशंस है, हेडेक है, ये सब चीज अगर होती हैं, तो उस सिचुएशन में हम अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद जो डॉक्टर की सलाह से हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो हम लें। पहला इम्पोर्टेंट चीज होता है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोकना, और उसके अंदर अपने आप को अलग कर लेना या मास्क पहन लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सिंगापुर में कोरोना की नई लहर आ सकती है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 25,900 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, और ये मामले हर हफ्ते दोगुने हो रहे हैं।
अनुमान है कि KP.1 वर्तमान में अमेरिका में लगभग 7.5% नए कोविड मामलों के लिए जिम्मेदार है। इन्फेक्शन होता है, उसका वेरिएंट, म्यूटेशन वेरिएंट आता है, कम्युनिटी में वो फैलता है, कम्युनिटी में फैलने के बाद वो अपनी जो है एक बार फैल गया तो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है लोगों में। जैसी वो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो अपना फैलना बंद हो जाता है, तो अब वो ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी लोगों में आ गई है, तो वो ट्रांसमिशन स्लो डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जब वायरस दोबारा से म्यूटेट करेगा, नया वेरियंट आएगा और पुरानी इम्यूनिटी से बाहर निकलेगा तो फिर वो फिर वापस से फैलेगा। तो ये कंटिन्यूस चीज है जो चलती रहती है। तब डॉक्टर पारिक को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान। दिल्ली से बाड़मेर तक, हिमाचल से भोपाल तक, शहर के शहर गर्मी के थर्ड डिग्री टॉर्चर रूम बन चुके हैं। दिल्ली में 24 मई तक हीटवेव का अलर्ट है तो राजस्थान में तापमान 47 डिग्री पार करने वाला है। यूपी के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है और 19 शहरों में हीटवेव की चेतावनी है। दिल्ली में गर्मी की हालत ऐसी है कि पीक पावर डिमांड पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर 8000 मेगावाट तक पहुंच गई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में गर्मी का आपातकाल, आग की भट्टी में झुलस रही दिल्ली, उत्तर भारत में धधकती गर्मी का टॉर्चर, मई की गर्मी में पारा कहीं 50 डिग्री तक छूने वाला है। मई में ये हालात हैं तो जून की गर्मी में क्या होगा। बीकानेर में पारा 47 पार। राजस्थान तो लग रहा है कि किसी गर्मी की भट्टी में जल रहा है। बीकानेर में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जवान ने रेत में दबाकर कुछ ही मिनट में पापड़ सेक लिया। ये वीडियो देखकर असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने तपती धूप में तैनात बीएसएफ को सलाम किया है, जो तपती धूप में ही सीमा की रखवाली के लिए डटे हुए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। बिजली विभाग ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पानी, बिजली और चिकित्सा विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को एक्शन में रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी और होगी। पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राजधानी दिल्ली में गर्मी ऐसी है कि आसमान से आग बरस रही है। लोग परेशान हैं, गला सूख रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी से निजात की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने 24 मई तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कई राज्यों में समय से पहले ही समर वैकेशन की घोषणा कर दी गई है। यहां सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बहुत गर्मी है, यहाँ पे घूमने आया था लेकिन बहुत गर्मी है, घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का। यहाँ पे अभी दिल्ली में बहुत ही गर्मी है, आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैं मेरी बच्ची को लेकर आई हूँ दिल्ली में और यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है, बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंप वगैरह हो ताकि बच्चा लोग को लेके मम्मी लोग भी ऐसा आके बैठ सके और कुछ ठंडा पानी ऐसा कुछ मिल सके। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली सामान्य से ज्यादा है और हमने इसके पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस रेड अलर्ट भी दे रहे हैं
और हमारा अनुमान यह है कि राजस्थान रीजन वाइज बात करें या स्टेट वाइज बात करें, राजस्थान के लिए पांचों दिन ही रेड अलर्ट है हमने दे रखा है, उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट यूपी के लिए भी आने वाले पाँच दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ MP वहाँ हमारा ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में भी भीषण गर्मी से लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार तीन दिनों से पंजाब के गर्म शहरों की सूची में टॉप पर बने हुए बठिंडा में भीषण गर्मी से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि चार लोग गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। बढ़ते तापमान ने पहाड़ों पर भी कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जंगलों में तीन दिन से लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा जंगल जल रहा है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में अभी तक 300 से ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है। बिहार से लेकर उड़ीसा तक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी है और इस दौरान वो न सिर्फ मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के रहनुमाओं पर भी करारा वार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार से लेकर ओडिशा तक धुआंधार प्रचार, विपक्ष के खिलाफ सीएम योगी का डबल प्रहार, 4 जून वाली ललकार अब की बार 400 पार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ओडिशा से बिहार तक विपक्ष को ललकार रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं और हिंदू ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देने पर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर इनको ओबीसी में शामिल किया था, अब ममता के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया है। धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाईकोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है, हमें उसका संविधान का उस संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। सीएम योगी ने और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।